ये नवा विकेट है, भारत का स्कोर 31 रन है, हनुमा विहारी आउट हुए हैं। शमी ने खेलने की कोशिश की, हटकर खेलने की कोशिश की, तेज चोट लगी है, बहुत तेज लगी है और भारत की पारी यहीं 36 रन पर समाप्त हो रही है। ऐसी पारी जिसमें कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू नहीं पाया। ये कमेंटेटर्स के शब्द थे 19 दिसंबर 2020 को और उसके एक महीने के बाद में जो हुआ वो दुनिया के लिए मिसाल है। मिथिलेश जी ट्विटर पर लिखते हैं कि अगर कभी जिंदगी आपको 36 पर आउट कर दे तो मत घबराइए, एक लंबी सांस लीजिए और उसे गाबा बुलाइए। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर जो हुआ वो दुनिया के लिए एक मिसाल कायम हुई है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और मेरी नई सीरीज लर्निंग सीरीज, जहां हम बात करते हैं हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे में, उस हार की बात करते हैं जिसने हमारे लिए जीत का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया। फाइव लर्निंग्स फ्रॉम टीम इंडिया, नहीं, फाइव लर्निंग्स फ्रॉम न्यू टीम इंडिया। लर्निंग नंबर वन, सबसे बड़ी लर्निंग, अगर आप अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो ध्यान से सुनिए। लर्निंग नंबर वन कहती है, फ्रेशर पर प्रेशर कहेगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो घबराइए मत। हमारी टीम इंडिया में चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, जिंके राणे, इनको छोड़ दें तो बाकी के खिलाड़ियों के पास में 10 मैच से भी कम का एक्सपीरियंस था, तब भी हमारी टीम ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया। वो ऑस्ट्रेलिया जिसके 6 खिलाड़ियों के पास में 50 मैचेस से ज्यादा का एक्सपीरियंस था, यानी कि सीनियर प्लेयर्स थे। हमारी टीम को तो टीम इंडिया बी कहा जा रहा था। बी का मतलब ब्रेव होता है, ये ऑस्ट्रेलिया ने अब अच्छे से समझ लिया होगा। और फ्रेशर की बात करें तो अगर आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो घबराइए मत। हमारी नई टीम इंडिया आपको सिखाती है कि फ्रेशर पर प्रेशर नहीं होता, वो अपनी परफॉर्मेंस 100% नहीं बल्कि 1000% कर सकता है, दिखा सकता है। आपके अंदर क्या है, कितनी ताकत है, ये दुनिया ने देखी ही नहीं, इसलिए दुनिया के सामने छाने का मौका होता है तब जब आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं। प्रेशर में मत आइए, आप फ्रेशर हैं, फ्रेश स्टार्ट लीजिए और दुनिया में छा जाइए। लर्निंग नंबर टू, जिंदगी में हार तब तक नहीं होती जब तक कि मैच खत्म ना हो जाए, यही सिखाती है हमारी नई टीम इंडिया। आर अश्विन और हनुमा विहारी, जो कमाल इन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में किया था, हालांकि हम जीत नहीं पाए, मैच ड्रॉ हुआ था, लेकिन उस मैच में हमें यह सिखाया था कि हार नहीं माननी है, डटे रहिए चाहे जो हो जाए। आर अश्विन के बारे में उनकी वाइफ ने बताया कि पांचवें दिन जब वो मैच में 4 घंटे तक उन्होंने नॉनस्टॉप बैटिंग की थी, उन्होंने बताया उनकी वाइफ ने कि पांचवें दिन वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इतने दर्द में थे, तब भी वो क्रीज पर गए, टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैच बचाया। हनुमा विहारी भी चोटिल थे, दर्द में थे, 161 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 23 रन बनाए। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, एक पॉलिटिशियन है बाबुल सुप्रियो साहब, और ये जो पॉलिटिशियन है इन्होंने क्रिटिसाइज करने की इतनी जल्दी थी इनको कि इन्होंने नाम भी चेक नहीं किया, इन्होंने हनुमा विहारी लिख दिया। हनुमा विहारी ने उनको रिप्लाई देते हुए सिर्फ करेक्ट किया कि ये BIHARI नहीं है, ये VIHARI है। हनुमा विहारी जिनको इतना क्रिटिसाइज किया गया, लोग कहते हैं कि इनमें लिमिटेड टैलेंट है इसलिए इन्हें IPL में नहीं खिलाया जाता, लेकिन इस व्यक्ति ने इस मैच में, इस सीरीज में बताया कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो दुनिया के सामने एक ना एक दिन जरूर आएगा और आपको सबसे आगे अपने देश को, अपने देश की जीत को, अपने देश के नाम को आगे रखना है। लर्निंग नंबर थ्री, हमारी टीम इंडिया के नए कप्तान साहब जो कि इस टूर पर थे, अजिंक्य रहाणे, उनसे सीखिए, जिंदगी में चाहे जो हो जाए हमेशा कीप काम, शांति बनाकर रखिए, ना ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो ना ज्यादा डरें, बल्कि जिंदगी में शांत रहें। ये शांत रहने का गुण आपको हमेशा 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 जीत दिलाएगा। दूसरे टेस्ट मैच में जब रहाणे ने 100 लगाई तो वो ओवर एक्साइटेड नहीं हुए कि भैया कमाल ही कर दिया, अब तो बस मैं हूं, नहीं, वो शांत रहे, वो जानते थे कि मुझे ये सीरीज जीतनी है। तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीत सकती थी, बहुत लोगों ने बातें की, लेकिन मैच हमने बचा लिया, वो बहुत बड़ी बात थी, ड्रॉ हुआ। चौथा टेस्ट मैच जब आया तब भी हमारी टीम ना ज्यादा ओवर एक्साइटेड हुई, ना ज्यादा डरी, ना घबराई, शांति से खेलते रहे, लक्ष्य दिमाग में था और चौथे टेस्ट मैच में कमाल कर दिया। चाहे शुभमन गिल हो, ऋषभ पंत हो, हर किसी ने कमाल किया, मोहम्मद सिराज हो, हर कोई शांत रहा, फोकस होकर के अपना काम करता रहा, अपने रोल में रहा और टीम इंडिया को जीत दिलाई। ये जो शांत रहने का गुण है ये नई टीम इंडिया से, अजिंक्य रहाणे से जरूर सीखिएगा। कल किसने देखा है, किसी को मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला है। सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। जो आपने प्लान बनाया वो एग्जीक्यूट ना हो तो क्या होगा, आपके पास में प्लान बी होना चाहिए।
बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखिएगा, यही सिखाती है नई टीम इंडिया। बड़े बड़े नाम गायब हो गए, यहां तक कि वीरूपाजी ने ट्वीट कर दिया था कि भैया 11 कम पड़ रहे हो तो मुझे बता दो, मैं आ जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए। हमारी टीम में जितने ऑप्शंस बचे थे, जो यंग प्लेयर्स थे, उन पर मैनेजमेंट ने भरोसा जताया, उनसे कहा कि जाओ और जी लो गाबा में अपनी जिंदगी। और इन नए खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया, इन्होंने बता दिया कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम छाने के लिए तैयार हैं। हर परिस्थिति में अपने पास में एक और प्लान तैयार रखिएगा, वरना अगर आपका पहला वाला प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, सिचुएशन बदल गई, तो आप हार का सामना करेंगे। लर्निंग नंबर 5, बचपन से आपके साथ भी हुआ होगा, रिश्तेदार हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते रहे होंगे, कहते होंगे कि अरे बेटा नंबर नहीं आ रहे हैं, क्या होगा तेरा, ये वो फलां ढिमका। हमारे देश में बहुत जल्दी हम क्रिटिसाइज करने पर आ जाते हैं, और हमारे देश में नहीं, दुनिया का यही फलसफा है। भारतीय टीम जब पहला मैच हारी तो हमारे ही लोगों ने कहा कि क्या टीम है, किसको भेज दिया, ये T20 वाले खिलाड़ी हैं। और एक महीने के बाद जब हमारी टीम 2-1 से सीरीज जीती तो हर कोई दीवाना हो गया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये दुनिया सक्सेस की दीवानी है, इसे हार में हमेशा निराशा दिखती है, ये हार को पचाई नहीं पाती। ये दुनिया ये मानने को तैयार नहीं है कि अगर हार नहीं होगी तो सीख नहीं पाएंगे, और सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। इसीलिए कहता हूं, हर हार से सीखो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लर्निंग नंबर 5 यही कहती है कि क्रिटिसिज्म से घबराना मत, दुनिया आपको क्रिटिसाइज करेगी। टीम इंडिया के बारे में पता नहीं लोगों ने क्या क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया में उन्हें पता नहीं क्या क्या सुनने को मिला। टिम पेन ने तो ये तक कह दिया था कि सी यू एट गाबा में मिलेंगे, और हमारी टीम ने फिर गाबा में जो किया वो सबके सामने। आलोचना से मत घबराइए, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए, याद रखिए दुनिया अगर आपकी आलोचना करे तो उनके विचारों से आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, क्योंकि जिस दिन आप लक्ष्य हासिल कर लेंगे ये दुनिया अपने विचार बदल देगी और कहेगी हमें तो मालूम था कमाल करेगा। इसलिए कमाल कर दिखाने के लिए तैयार रहिए। और जाते जाते, वैसे तो टीम इंडिया के हर खिलाड़ी ने कमाल किया है, लेकिन एक खास शुक्रिया मोहम्मद सिराज के नाम। भारतीय राष्ट्रगान ऑस्ट्रेलिया में बज रहा था, मोहम्मद सिराज की आंखें नम थी, अपने फादर साहब को याद कर रहे थे जिन्हें रिसेंटली उन्होंने खोया था, अपने पिता को मिट्टी भी नहीं दे पाए थे। BCCI ने कहा था कि आप चले जाइए हिंदुस्तान, लेकिन मोहम्मद सिराज ने कहा कि मैं अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता हूं, वो चाहते थे कि मैं भारत के लिए खेलूं। मोहम्मद सिराज खेले, कमाल कर दिया, पहले मैच में 5 विकेट लिए, दूसरे मैच में तो एक ही पारी में 5 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज की कहानी भी हमें सिखाती है कि सबसे आगे अपने देश को रखिए। अपने देश को जिस दिन आपने आगे रखना शुरू कर दिया, आपका विकास, आपके थॉट्स अपने आप बुलंद होना शुरू हो जाएंगे। जाते जाते, डॉक्टर सुनील जोगी साहब की कविता है, उसी में कुछ शब्दों का हेरफेर करके आपको सुनाता हूं ऑस्ट्रेलिया के लिए। हमारी तरफ से ऑस्ट्रेलिया के नाम ये 2 पंक्तियां। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम 36 वाली जीत सी हो, मैं गाबा की दहाड़ प्रिय।